और घर का खाना खा के मुझे भाई 1 महीने के अंदर अपना वेट रिकवर करना है। जो ओ भाई यहाँ देखो कैसे सो रखे बिस्तर में, और ये तो इधर ये दब गया था आज, पता चला नहीं, और लाइट भी चली गई। अब वो तो कंबल उठाया देखा नहीं, तो ये बच्चा आज पिचक जा। घर की तरफ जाते हुए सड़कों को देख के ना दिल खुश हो जाता है। ये देख, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत प्रणाम है जोशीमठ शहर से। कल हम कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद जोशीमठ में रुके, और रात में तो भाई थोड़ी हल्की फुल्की बारिश भी हुई, और उस बारिश के कारण जो आसपास की चोटियाँ हैं ना, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी। इधर देखिए भाई, बर्फ़ से ढक गए हैं, जो फ्रेश बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे। देखिए यहाँ से हाथी घोड़ी पीक दिखते हैं, लेकिन अभी क्या कि बादल है इस वजह से दिख नहीं पाएंगे इधर पीछे पीछे पहाड़ियों में। कभी भी मतलब ठंडा हो गया है, कभी भी बर्फ़ ज़्यादा पड़ सकती है। बाकी व्यू देखिए भाई, कुछ ऐसा है, यहाँ से बिल्कुल आमने सामने पहाड़ रहता है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे जोशीमठ शहर है। तो भाई गर्मा गर्म चाय भी तैयार, फुल गिलास भर रखी है, क्योंकि यहाँ ठंडा इतना है, गोपेश्वर से ज़्यादा ठंडा ना। तो चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं अपने गांव की ओर। रॉबिन और ये निकलेंगे साथी भाई अपने गोपेश्वर को, और अगले हफ्ते मैं गोपेश्वर जाऊंगा। तो भाई जोशीमठ मार्केट में अभी वन लेन था, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता था यहाँ पे, लेकिन अब नीचे से भी क्लियर हो गया रास्ता, तो नीचे से भी जा सकते हैं। बाकी यार बैग इतना छोटा है, कुछ सामान भी नहीं ले जा सकते यहाँ से, बाइक में यही परेशानी है। मैं थोड़ा बिल्लियों के लिए दूध ले जा लेंगे, पैकेट वगैरह, क्योंकि दूध भी कम होता है, गाय एक ही गाय दूध देती है। तो भाई ये है जोशीमठ मार्केट का माहौल, कुछ ऐसा है भाई ये देखिए। और इधर मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, दरबार साहब गुरुद्वारे साहब के सामने खड़ा हूँ जो जोशीमठ में है, और यहाँ पे मुझे लग रहा बंद है। देखो यहाँ भी खाली खाली से लगता, नहीं तो फुल पार्किंग रहती है। देखिए काफ़ी बड़ा दरबार साहब है, जब भी आप श्री हेमकुंड साहिब आओ, गोविंद घाट ना आ पाए, तो यहाँ जोशीमठ में आप रुक सकते हैं गुरुद्वारा साहिब में। मौसम हो गया काला काला। तो भाई निकल गए, बरसात होना स्टार्ट हो गई है, थोड़ा पेट्रोल भराना है, फिर निकलना है अपने घाटे की ओर। आगे से अंशुल जा रहा है भाई स्कूटी में भगाते हुए फुल रफ्तार में। ये देखो यार बारिश बड़ी तेज हो गई, अब क्या करें कहीं। तो इधर भाई आर्मी कैंप है ना, और बहुत अच्छा लगता है आर्मी कैंप के बीच से गुजरते हुए, आर्मी वाले भी दिख जाते हैं, और उनकी लाइफ स्टाइल यार बहुत अच्छी रहती है, मज़ा आ जाता है। थोड़ा अपने टाइगर का पेट भर देते हैं। ओहो पेट्रोल पंप में देखिए क्या भीड़ हो रखी है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान में भी ऐसी भीड़ रहती है। चलो कोई नहीं। तो भाई यात्रा के टाइम पे ऐसा खचाखच भर ही रहती है रोड, मतलब 1 घंटे का जो रास्ता है वो उसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं, बट आजकल देखिए पूरा खाली हो गया, क्योंकि श्री हेमकुंड साहिब यात्रा बंद होगी। भले बद्रीनाथ बचे हुए हैं, बट वहाँ भी थोड़ा सा कमी है यात्रा। और लास्ट टाइम में जो अभी आने वाली है दीपावली, दीपावली में रहती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खचाखच वाली भीड़, अभी बिल्कुल सही है भाई। लिटरली मौसम देखिए यार, अभी इतना काला लग रहा है कि इतनी खतरनाक बारिश आने वाली है, उससे पहले घर पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भीग जाएंगे, ठंडा भी लगेगा। फटाफट पहुँच जाते हैं घर। और यहाँ से जो पीछे गांव है दोस्तों, यहाँ से भी काकबूसंडी ताल का ट्रैक पड़ता है, मैं अपने गांव से गया था और यहाँ से ही पड़ता है, वहाँ से मुझे लगता है थोड़ा आसान है, बट यहाँ से नहीं है। तो पहले जो गोविंद घाट का दरबार साहब का रास्ता पुराना था ना, वो सिर्फ यहीं से था, जहाँ पे हवलदार बाबा मोदन सिंह का द्वार है। ये देखें, बहुत लोगों ने देखा नहीं होगा, बट मैं दिखा देना चाहता हूँ।
पहले यहाँ से नीचे जाते थे, अब उधर से घूम करके जाना पड़ता है क्योंकि इधर वाला 2013 में ध्वस्त हो गया था। भाई इतना ठंडा लग रहा है यार, ऐसे लग रहा है कि जनवरी में मैं चला रहा हूँ। इधर शायद पुल बनेगा, कह नहीं सकते, मे बी। यहाँ से नीचे घर की तरफ जाते हुए सड़कों को देख के ना दिल खुश हो जाता है। ये देख, और यहाँ पे गोविंद घाट दरबार साहब, कितना अंधेरा लग रहा भाई, कितना अंधेरा, मतलब लग रहा है शाम के 7-8 बज रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है, अभी तो 1 बज रहे हैं। 1 तो पुलना के लिए नई रोड दिखाऊंगा, पहले ना यहाँ से था, नीचे ही नीचे से, अब मुझे लग रहा है आधे से 1 किलोमीटर जो है डिस्टेंस बढ़ गया है। तो ये बन रहा है यहाँ पे, मतलब अभी सिर्फ प्लेन किया हुआ है मिट्टी से, बाकी अगर जिस दिन डामर चल जाएगा बिटुमिन तो उस दिन सही हो जाएगा इधर। पर मतलब हर साल ना रास्ता लंबा होते रहना है, छोटा तो मुश्किल है छोटा होना, पर वो लंबा हो रहा, लंबा हो रहा, लंबा हो रहा। तो भाई घर पहुंच गया, और घर पहुंचते ही इतनी ख़तरनाक बारिश होगी यहाँ, तो सही टाइम पे मैं घर पहुंच गया। देखे इतनी सारी अब बिल्लियाँ कर रही है मम्मी को परेशान। ये देखो एक यहाँ पे, बाकी अंदर किचन में भूखी लगी रहती इनको ये। तो भाई ठीक खाना खाते हुए पहुँचा, और ठंड देखे मैं बोल रहा था ना ठंडा बढ़ गया है, देखो आज आग भी जला दी है चूल्हे पे, सबको ठंडा लग रहा। खाना खाने तक मैं पहुंच गया, और मम्मी ने बनाई आज अरहर की दाल और यहाँ पे हरी सब्जी और थोड़ा दही। ये देखो वाह, घर का खाना। तो खाना खाने से पहले हमेशा मम्मी थोड़ा सा इधर चूल्हे पे रखती है अग्नि देवता और अपने पितरों के लिए उनके नाम पे, फिर हम खाना स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और अभी भाई शाम को आज इतनी बारिश हुई, ठंडा भी हो गया मौसम, बट अभी मौसम भी खुला हुआ है, बहुत अच्छी नींद आ गई थी मेरे को बारिश की। तो देखिए मौसम तो बिल्कुल ऐसा खुला हुआ है, देखो 2-3 बादल दिखेंगे आपको, बाकी उधर देखिए हल्की हल्की बर्फ़ आपको दिख रही होगी चोटियों में। देखिए भाई कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है 8वीं चोटी का, ऊपर हल्की सी बर्फ़ हुई तो श्री हेमकुंड साहिब में भी ज़रूर होगी, मैं सुबह बता रहा था आपको। देखिए बाकी धूप होने के बावजूद भी आज पिघली नहीं है वहाँ पे बर्फ। अरे यहाँ पे देखिए प्यारी बिल्लियाँ सो रखी है अपनी, इनको भी ठंडा लग रहा होगा। ये देखो एक के ऊपर एक सो रखे। तो अभी ना मौसम कुछ ऐसा है, और अभी मैं जा रहा हूँ अंशुल के नए वाले घर पे, क्योंकि मेरा सामान जो कि गोविंद धाम से आया था घोड़े में उनके, तो वो लेके आना है अभी घर पे लेके आना है, उसमें धुलने वाले कपड़े बहुत सारे हैं। तो देखो यहाँ पे अभी हम कुछ दिनों में यहाँ पे खेल करेंगे, और देखो लास्ट ईयर हमने यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बनाया था, वॉलीबॉल कोर्ट बनाया था, तो इसका यूज़ करेंगे। तो अभी जा कर के मैं फ्री हुआ हूँ, अब बैठा हुआ हूँ, मतलब आज मैं एक्चुअली में फ्री हुआ हूँ श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के बाद। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप बुरा मत मानिएगा। देखो मेरे पास पता नहीं, मेरा नंबर बहुत लोगों के पास है और बहुत सारे कॉल आते हैं। देखो जैसे मैं इधर उधर हूँ, जो चीज़ें मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता उस टाइम भी कोई ना कोई काम कर रहा हुआ होता हूँ मैं, घर की जिम्मेदारियाँ रहती है और कुछ काम रहता है इधर उधर ट्रैवल करना, तो उसमें मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ किसी के। मेरे को पर डे इतने कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, पता नहीं किसने कैसे नंबर है सबके पास, इंस्टाग्राम पे कैसे है, मैं किसी के रिप्लाई नहीं कर पा रहा उस चक्कर से, बल्कि ये हो रहा कि मैं घर वालों के मिस कॉल या कॉल भी नहीं देख पा रहा हूँ कि कब आ रहे हैं। तो ऐसे में घर से भी यही हो रहा कि भाई कॉल क्यों नहीं उठा रहा, मेरे और रिलेटिव हैं वो बोले भाई कॉल नहीं उठा रहा, क्योंकि पता ही नहीं चलता उनका कब आ रहा है, वो नीचे नीचे पूरे उसमें लिंक में चले जाते, तो अगर मुझे पता रहे तो मैं उनको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। तो ये चीज़ थोड़ी इश्यू हो रही है, तो आने वाले कुछ टाइम में मैं नंबर चेंज करूँगा। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के थोड़ा ये रिक्वेस्ट है कि देखो यार नंबर शेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि और भी काम होते हैं। देखो ब्लॉग के माध्यम से मैं आपसे बातचीत करता हूँ, या तो आप इंस्टाग्राम पे या तो मेल आईडी पे,
मैं तीन ऑप्शन ऑलरेडी दे रखे हैं, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वायरीज पूछनी है आपको तुरंत जवाब मिलेंगे, बस फ़ोन नंबर मत मांगेगा, तो बस यही दिक्कत है। तो आने वाले टाइम में मैं फ़ोन नंबर चेंज कर दूंगा, और बाकी इंस्टाग्राम और मेल आईडी, वहां से आप कुछ भी पूछे आपको मैं रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा जैसे ही मैं देख लूंगा। तो फिलहाल बस यही सोच रहा था, मैं ये चीज़ बतानी है, इस बार जो है विंटर्स में मैं श्री हेमकुंड साहिब नहीं जा पाऊंगा, हाँ सिर्फ गोविंद धाम तक जा पाऊंगा। इसका रीज़न साफ़ है कि देखो, मैं जैसे श्री हेमकुंड साहिब जाता हूँ तो उससे क्या होता है कि जो ट्रस्ट के मेम्बरों को, उससे क्या होता है कि बहुत सारे उनको कॉल आते हैं, उसमें कॉल में क्या आता है कि अगर मैं जा पा रहा हूँ श्री हेमकुंड साहिब तो औरों को अलाउ क्यों नहीं हो रहा विंटर टाइम में। तो इससे परेशानी इतनी हो गई कि यार सबको परेशानी हो रही है, मेरे को भी कॉल आता है कि हमें ले जाओ श्री हेमकुंड साहिब, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं खुद नहीं जाने वाला हूँ, मुझे भी खुद रियलाइज़ हुआ कि मुझे विंटर्स में नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह जहाँ पे अलाउ नहीं है, तो है ना, इस वजह से अब मैं नहीं जा पाऊँगा। सिर्फ अगले साल ही अप्रैल मई में जब कोई आर्मी वाले जाए वो भी मैं परमिशन लेकर के ही जा पाऊँगा, ठीक है। तो बस मैं यही आपको बताना चाह रहा था, इससे रिलेटेड प्लीज़ कोई क्वेश्चन ना करे कि नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी फरवरी में, कि हमें भी ले जाओ अपने साथ, मैं खुद ही नहीं जाने वाला हूँ तो आपको नहीं ले जा सकता हूँ। और ये राइट बात भी है कि यार देखो, मेरे वीडियोस अगर बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि सबके मन में आ रहा है कि वो भी आए, ऐसे ऐसे करके कितने मेरे को मेल कॉल आ रहे हैं कि हमें भी ले जाओ। फिर ऐसे सोचे कि जो बड़े दरबार साहब में कितने कॉल आ रहे होंगे कि भाई मैं जा रहा हूँ तो औरों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, तो गलत इन तरीके से मैसेज पहुँच रहा है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि अब अगले साल जब ओपन होगा तभी जा पाऊँगा। और ये रियलाइजेशन थोड़ा अपने मन से भी हुआ कि यार जो पवित्र भूमि है उसको एक शांत माहौल पर रहना ज़रूरी है, मेडिटेटिव स्टेट पर, तो उसको कवर नहीं कर सकते हम हर महीने, है ना, 4 महीने तो हम रहते ही यात्रा पर। तो ये चीज़ आपको एक और इन्फॉर्मेशन बतानी। तो भाई अब मैं, अभी तो प्लान कुछ भी नहीं है कहीं जाने का, नेक्स्ट प्लान मेरा ये रहा कि यार, क्योंकि मेरी गलती क्या है, मेरी कमजोरी क्या है कि मैं वादा कर लेता हूँ किसी भी इंसान से, अब भगवान से भी वादा कर लेता हूँ। लास्ट ईयर क्या था कि मैंने क्या बोला था, जो कालीमठ गया था हुआ था मैं, तो मैंने कहा माता जी मेरे को अगले साल फिर बुलाना कुछ विश भी थी वो भी पूरी कर दी माता जी ने। काली माता का मंदिर है कालीमठ, थोड़ा बहुत पवित्र जगह है वो और बहुत उच्च स्थान भी है। तो बस उसी चक्कर से मेरे को नेक्स्ट जो है वीक, सैटरडे या संडे को रॉबिन के साथ गोपेश्वर जाऊंगा, गोपेश्वर से गुप्त काशी जाऊंगा और गुप्त काशी से कालीमठ जाऊंगा, एक दिन वहीं स्टे करना पड़ेगा, बट माता जी के दर्शन जरूरी है। और मैंने इस बार प्रण ले लिया कि भाई आगे से कभी भी वादा नहीं करना है, क्योंकि एट लास्ट में अगर वो पूरा ना हो तो खुद को भी दुख होता है, और भगवान से वादा करना बहुत गलत बात है कि हम आएंगे आ नहीं पा रहे हैं। तो मैं अब वादा नहीं करूँगा, सीधा भगवान को भी सरप्राइज़ दूंगा कि भाई मैं आपके दर्शन के लिए आ गया बोल करके, बट वादा नहीं करूँगा कि मैं आऊँगा इतने डेट को आऊँगा। तो ये चीज़ ऐसे कालीमठ बचे हुए हैं जहाँ मुझे दर्शन करने जाना है, बाकी जहाँ मर्जी होगी धीरे धीरे प्लानिंग करेंगे। मौसम तो बहुत ही बढ़िया है, होप सो आपको भी आजकल मौसम देख के संतुष्टि मिल रही होगी। हो सकता है एक दो दिनों में बारिश हो जाए, थोड़ा बारिश दिखा रहा है वेदर, बाकी ओवरऑल अच्छा रहे। और दोस्तों भगवान ने तो मेरे को सरप्राइज़ दे ही दिया है, और मैं आगे आपको सरप्राइज़ दूंगा अगले हफ्ते, इस वीक में मैं आपको गोपेश्वर जाके एक बड़ा सा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। ओ भाई यहाँ देखो कैसे सो रखे बिस्तर में, अरे ये तो इधर ये दब गया था आज, पता चला नहीं और लाइट भी चली गई, वो तो कंबल उठाया देखा नहीं, तो ये बच्चा आज पिचक जाता है। देखो उसको लग रहा है ठंडा नींद आ रखी है बढ़िया सी। तो भाई बिल्लियों ने तो अपना पूरा जो है बिस्तर हटा दिया है, और यहाँ पे मम्मी बना रही है खाना गर्मा गर्म, और घर का खाना खा के मुझे भाई 1 महीने के अंदर अपना वेट रिकवर करना है जो 4 महीनों में मेरा कम हुआ है ठंड की वजह से और दौड़ भाग की वजह से। तो कंगार यहाँ पे आके सेक लेते हैं, बिल्लियों ने तो बिस्तर हटा दिया है तो हम आगे से सकते हैं। ये देख हर मम्मी ने वैसे ये नहीं लगाया हुआ था, मम्मी ने यूट्यूब से देख करके ऐसा चूल्हा बनाया है जिसको, इसमें देखो यूट्यूब का कमाल। तो फिलहाल दोस्तों अब खाना खाने की तैयारी करते हैं, फिलहाल ब्लॉग एडिट करते हैं, लाइट भी नहीं है
और यहीं पे ब्लॉग को एंड करेंगे और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।